देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। देशभर के नेता पहुंचेंगे गुजरात, घर घर जाकर बांटेंगे चुनाव पर्ची, बीजेपी ने बनाई रणनीति। गुजरात चुनाव में बिल्किस के दोषियों की रिहाई को कांग्रेस ने चुनाव में बनाया मुद्दा, घोषणा पत्र में किया जिक्र। उत्तराखंड में जबरन धर्म परिवर्तन पर 10 साल की जेल, लव जिहाद भी राज्य में बैन, कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। कठुआ रेप मर्डर केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश रद्द किया, नाबालिग आरोपी पर एडल्ट कोर्ट में चलेगा मुकदमा। राजीव गांधी हत्याकांड मामले में नलिनी श्री हरन बोली, जब पूर्व प्रधानमंत्री की मौत हुई तो वे कई दिनों तक रोई। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी के घर पुलिस ने किया नोटिस चस्पा, सैयद बड़ा स्थित उनके आवास पर किया गया चस्पा। लखनऊ के हुसैनगंज चौराहा स्थित ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। इंडोनेशिया ने भारत को G20 समिट की अध्यक्षता सौंपी, पीएम मोदी बाली में से स्वदेश लौटे। शहर में श्रद्धा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता, शहीद चौक पर किया जोरदार प्रदर्शन। गाजीपुर में तहसील प्रशासन ने आइस फैक्ट्री को किया सीज, लाखों का बिजली बिल बकाया होने पर कुर्की की कार्रवाई की। मिड टर्म इलेक्शन में यूएस प्रेसिडेंट को झटका, बाइडेन के एजेंडों पर रोक लगा सकेंगे ट्रंप। ईरान में फायरिंग से 5 की मौत, हमले में एक बच्ची और महिला की भी गई जान, पुलिसकर्मी सहित 10 लोग घायल। G20 में कनाडाई पीएम जिनपिंग भिड़े, चीनी राष्ट्रपति बोले आपसी बातचीत लीक क्यों करते हैं। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर पूर्वी तट में दागी बैलिस्टिक मिसाइल, दक्षिण कोरिया की सेना का दावा। म्यांमार ने ऑस्ट्रेलियाई अर्थशास्त्री समेत कई विदेशियों को जेल से किया रिहा, 6,000 अन्य लोग भी छोड़े गए। अगले वर्ल्ड कप के लिए हार्दिक का मैसेज, हार भूलो गलतियां सुधारो, युवाओं के पास मौका खुद को साबित करें। दिल्ली को 5 साल बाद मिलेगी टेस्ट की मेजबानी, धर्मशाला और अहमदाबाद भी दौड़ में शामिल। किरण पोलार्ड ने संन्यास लेने पर इमोशनल हुए हार्दिक पांड्या, सोशल मीडिया पर शेयर किया भावुक पोस्ट। स्टीफन फ्लेमिंग ने भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड की जीत को किया याद, बोले टीम के लिए भारत के खिलाफ यह जीत कितनी महत्वपूर्ण थी। अर्जेंटीना की जीत का सिलसिला जारी, जर्मनी और पोलैंड ने भी अपने अपने वार्म अप मैच जीते। टीम के साथ मस्ती करती दिखी शहनाज गिल, जानवी कपूर के गाने पर किया जमकर डांस, फैंस बोले ऐसे खुश रहो। ब्रैड पिट का नाम अब इनेस डी रेमन से जुड़ा, एक साथ कॉन्सर्ट में हुए स्पॉट, सामने आई दोनों की फोटोज। फैमिली के साथ स्पॉट हुए गोविंदा, सुहाना खान, सिद्धार्थ मल्होत्रा और अनुपम खेर समेत मुंबई एयरपोर्ट पर दिखे कई सेलेब्स।
एयरपोर्ट पर अनुष्का और विराट से मिले अनुपम खेर, सोशल मीडिया पर की दोनों की तारीफ। एंड्रीला शर्मा को आया मल्टीपल कार्डियक अरेस्ट, डॉक्टर्स ने रखा वेंटिलेटर पर, सीपीआर भी दिया। मिनट में 25 बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बात